वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूं केएस तोमर। वीडियो शुरू करूं उससे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा है कि इग्नू की असाइनमेंट हम कितनी बार सबमिट करें और हमको कितनी बार सबमिट करने होते हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं, आप असाइनमेंट अपने एक बार ही सबमिट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप दोबारा असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, आपके वही मार्क्स अपडेट रहेंगे जो आपके पहले असाइनमेंट में, जो मार्क्स आपको पहले असाइनमेंट में मिले हैं। बिकॉज़ अगर आप असाइनमेंट में पास हो जाते हैं तो आप अपने नए असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते उसी सेम सब्जेक्ट के लिए। असाइनमेंट आपको जब दोबारा सबमिट करना होगा अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं या आप पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं। बट असाइनमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी परसेंटेज इम्प्रूव करने में। तो कोशिश करें कि असाइनमेंट में मिनिमम से मिनिमम 70 अबव मार्क्स हों आपके। बिकॉज़ अगर आपके असाइनमेंट में 40 to 50 मार्क्स भी आते हैं तो उसको आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, ना ही आप असाइनमेंट दोबारा सबमिट कर पाएंगे और ना ही आप उसका जो परसेंटेज है मार्क्स का वो आप अच्छा ले पाएंगे। तो इसलिए अपना जब भी असाइनमेंट सबमिट करें, जो भी असाइनमेंट बनाएं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। अगर किसी असाइनमेंट में आपके मार्क्स कम हैं या आप पासिंग मार्क्स से आप स्कोर कम हुआ है तभी आप असाइनमेंट दोबारा सबमिट कराएंगे, अदरवाइज आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट नहीं कराने हैं। असाइनमेंट एक बार ही सबमिट होते हैं इसलिए दोबारा कभी सबमिट ना कराएं असाइनमेंट को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।